इसका नाम अजवा खजूर है। ये कैसे? ये आपको 1000 रुपया है, 800 है। पेरी पेरी काजू, ग्रीन चटनी है। नमस्कार मित्रांनो, मी ओमकार तुमचं स्वागत करतो आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनल ओम दुर्वा ब्लॉगमध्ये। आज आपण भेट देत आहोत वाशी APMC मध्ये असलेल्या महक ड्रायफ्रूट या होलसेल शॉपला। महक ड्रायफ्रूटमध्ये आपल्याला बेस्ट क्वालिटीचे ड्रायफ्रूट मार्केटपेक्षा खूप स्वस्त किमतीला भेटू शकतात। या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की या ड्रायफ्रूटच्या किमती काय आहेत आणि त्यांच्यामध्ये क्वालिटी काय काय येते। या शॉपचे ओनर शंभू सर यांनी आपल्याला डिटेलमध्ये सर्व ड्रायफ्रूटच्या किमती आणि त्यांच्या क्वालिटी सांगितलेल्या आहेत। तर चला पाहूया की या ड्रायफ्रूटमध्ये काय काय व्हरायटी येते। नमस्ते शंभूजी, आपलं दुकानाचं नाव आणि पत्ता सांगा आणि पुढे सांगा की आपल्याकडे काय काय भेटतं। आपल्या दुकानाचं नाव महक ड्रायफ्रूट आहे। ओके। आणि APMC मसाला मार्केट वाशी नवी मुंबईमध्ये हा दुकान आहे। आपल्याकडे भरपूर होलसेल प्राईजमध्ये ड्रायफ्रूट भेटतात। ओके। तुम्ही इथे पाहू शकता, 580 किलो ना बदाम, 580 रुपये किलो। ओके। हे 600 रुपये किलो ला आहे। ओके। 700 ला आहे, ही 850 ला आहे, ही 800 रुपये ला आहे। यांच्यामध्ये फरक काय शंभूजी, जर यांच्यामध्ये फरक क्वालिटीचा आहे की साईजचा? फक्त साईजचा फरक, साईजचा फरक। सगळे अमेरिकन बदाम आहे। ओके। साईज नुसार त्याचे रेट जी वाढलेले आहेत। ठीक आहे, हे तुम्ही बघू शकता, 750 ला किलो काजू आहे। ओके। हे 800 रुपये किलो आहे आणि 900 रुपयाला करेल ज्या मोठे काजू 900। हे पण साईज नुसार रेट? हा जी। आणि हा काजू आपले गोवाचे काजू? गोवाचे काजू आहे, खायला एकदम गोड। बाकी तुम्ही इकडे बघू शकता, ही काजूची कणी 400 रुपये किलो आहे। ही 400 रुपये किलो, काजू तुकडे 680 ला आहे, एक काजूचे 2 तुकडे 720 आहे। तुम्ही बघू शकता, हे अमेरिकन पिस्ता आहे, 1000 रुपये किलो आहे। अमेरिकन पिस्ता 1000 रुपये किलो। नंतर हे बघा, इराणचा पिस्ता आहे, हे 1200 रुपये, 1300 रुपये, आणि ही सर्वात मोठा 1600 रुपये पिस्ता। हे अमेरिकन आहे, हा इराण आहे, बाकी ही सगळे इराण, हे सगळे इराणचे। इराणचे पिस्ता जास्त चालतात इराणचा, थोडी वेगळी असते, त्याच्यामध्ये मीठ कमी असतं। इराणच्या पिस्तामध्ये मीठ थोडं कमी असतं, सॉल्टी कमी असतात। बाकी बघा, हे पिस्ता आहे, हा प्लेन प्लेन पिस्ता, प्लेन पिस्ता, हे तुम्ही दूधमध्ये, खीरमध्ये, लाडूमध्ये वापरायला जे घेता ना घरी, त्याच्यासाठी। हे 1200 रुपये किलो आहे, 1600 आहे, 2000 आहे, 2200 आहे आणि 2400 रुपये किलो। पिस्ता जो सुटा भेटतो तो 2400 रुपये किलोपर्यंत आपल्याकडे आहे। त्याच्यामध्ये फक्त साईजचे डिफरंट आहे, बाकी काही क्वालिटी सेम येते, साईजनुसार चेंजेस आहे। बाकी तुम्ही बघू शकता, हे याला आपण जर्दाळू म्हणता, हे अफगाणिस्तानवर येते, खायला एकदम गोड आहे, खट्टा मिठा असतं। हे 400 पर्यंत स्टार्ट होते, 400 ला किलो आहे, 500 ला किलो आहे, 700 ला किलो आहे आणि 850 ला। हे बाहेर गाववरून येते, मामरा इराण, जे स्पेशल लहान मुलासाठी येते, जे आपण उघडून पाचते लहान मुलाला, हे तुम्हाला 1500 पर्यंत स्टार्ट होते, 1500 आहे, 2000 आहे, 2400 आहे आणि 3400 रुपये, म्हणजे त्याच्यामध्ये भरपूर व्हरायटी, 4 ते 5 व्हरायटी, 200-200 रुपये ते गेट, 1500 पासून 2400 पर्यंत येतात। हां, याच्यात मामरामध्ये पण साईजनुसार रेट बदलतो की क्वालिटी? नाही, फक्त साईज। इसमें काजू, बादाम, किशमिश, खसखस, ये सारा मिक्स बन करके बनाया हुआ है। ओके। इसको चटपटा बेल बोलते हैं। सेम क्वालिटी में ये आपको आ जाएगा तीखा बेल। इसका रेट क्या है? ये 1000 रुपये किलो, 250 रुपये पाओ, दोनों भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लाइम चिली काजू है, तो खाने में बहुत टेस्टी आता है। ये आपको 1100 रुपये किलो मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी वेरायटी है, पेरी पेरी काजू है, ग्रीन चटनी है,
पुदीना काजू आई वाव है ब्लैक पेपर है आपको बादाम में फ्लेवर मिल जाएगा यहाँ पे पेरी पेरी बादाम है और ब्लैक पेपर बादाम है दो वैरायटी जनरली काजू मध्ये फ्लेवर असतात बादाम मध्ये फ्लेवर नसतात आपण काय बादाम मध्ये पण फ्लेवर बनणार कस्टमरला छान आवडतं आवडतं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केसर है कश्मीरी केसर है 290 रुपए एमआरपी है इसके ऊपर ये आपको 110 रुपए में आएगा 110 में कश्मीरी केसर है जी यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमान कंपनी की केसर है इसके ऊपर 550 रुपए एमआरपी है ये देख सकते हैं कितना प्यारा केसर है एकदम लाल ये आपको 200 रुपए में आ जाएगा ये क्वांटिटी क्या रहता है एक ग्राम का रहता है फिर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं बेबी जैस्मिन इसके 265 की एमआरपी आपको 250 रुपये में मिल जाएगी दूसरी आपको स्पेन की केसर आपको स्पेन का है जी रेड गोल्ड ये भी आपको 250 रुपये में मिल जाएगी इसका एमआरपी क्या है 590 दूसरा आप ये देख सकते हैं ये भी कश्मीरी है ये आपको 200 रुपये में आ जाएगी एमआरपी माउंट की केसर कितने का एमआरपी है 485 का ये आपको 200 रुपये में 200 रुपये में चिल्ली का अखरोट है जो चिल्ली से आता है चिल्ली से आता है हाँ ये 1300 रुपये किलो है ये वाला 1200 रुपये किलो है ये 900 रुपये चार किलो वो ये कनी उसका ब्रोकन है ये आपको 700 रुपये किलो में अक्खा वाला ये दो ये जंबो साइज ये थोड़ा थोड़ा उससे छोटा ये चार टुकड़ा और ये कनी और ये अपना विथ सेल ले सकते हैं आप विथ सेल में तीन वेराइटी है 600 है 650 और 700 तीन वेरायटी अवेलेबल क्या फ़र्क होता है मतलब साइज का साइज और अंदर के क्वालिटी का कलर का भी फर्क है यहाँ पे आप देख सकते हैं खारे आपको 300 रुपीज़ पर किलो आएगा ओके और खारे में बहुत सारे वेरायटी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जम्बो खारे हैं 380 रुपये किलो है 380 किलो जी ये 400 रुपये किलो है इसके बारे में छोटी खारे के 360 रुपये किलो है ये खारे ओमान से आती है एकदम कलर अलग है हाँ एकदम कड़क रहती है पत्थर जैसी रहती है ये आपको 400 रुपये किलो मिल जाएगी ओमान का जी ये आपको 300 रुपये किलो मिल जाएगी ये भी जी वहाँ से आती है ओमान का 300 रुपये किलो मिल जाएगी किशमिश है ये आपको 360 रुपये की 360 रुपये मिल जाएगी ये आपको 300 रुपये मिल जाएगी 280 है ये काली वाली अपनी तासगांव की 200 रुपये किलो मिल जाएगी ये तासगांव की हाँ जी सब तासगांव की सब तासगांव यहाँ पे आप देख सकते हैं हनी वाला आंवला है ये 280 रुपये किलो मिल जाएगा ये शक्कर वाला आंवला है ये 200 रुपये किलो मिल जाएगा वो बेल फल बेल का मुरब्बा है ये आपको 280 रुपये मिल जाएगा वो अखा वाला गोला आंवला है वो आपको 280 रुपये किलो ये शुगर का आंवला नहीं हनी वाला ये भी हनी वाला ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चटपटा आंवला है ये आपको 200 रुपये ये चटपटा कैसे मिले 280 रुपये किलो 280 ये खजूर आती है सऊदी से इसका नाम मबरूम है स्पेशल प्रोटीन के लिए आती है ये आपको 700 रुपया 800 रुपया 900 रुपया ऐसी तीन रेंज में मिल जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कलमी खजूर है तो सऊदी की आती है ये 500 रुपये से स्टार्ट होती है 500 है 600 है और 700 रुपये स्पेशल हेमोग्लोबिन के लिए आती है ऐसे लगाया हाँ 500 600 और 700 साइज हाँ साइज अजवा खजूर है ये हार्ट के लिए आती है खून पतला करती है इसका नाम अजवा खजूर है ये कैसे ये आपको 1000 रुपया है 800 है 500 और 900 चार वेराइटी है पुनिया खजूर ये आपको 110 से लेके 120 की रेंज में ये सबसे ज़्यादा चलती है हाँ जो अपने पास ये बॉक्स कितने का आता है ये 110 में 110 वाला भी और 120 वाला भी डब्बे के ऊपर है हाँ जी कंपनी के ऊपर है कंपनी के ऊपर हाँ जी ये वाला अंजीर आप देख सकते हैं 1000 रुपये किलो है ये आपको आएगा 1200 रुपये किलो वो आएगा आपको 1400 रुपये किलो ये आएगा 900 रुपये किलो बड़ा अंजीर 2000 रुपये किलो आएगा जंबो साइज ये साइज में सबसे बड़ा हाँ साइज में सबसे बड़ा है फ्लेक्स भी मिल जाएगा हाँ ये बादाम मतलब पीस कटे हुए एकदम जी ये बादाम का स्लाइस है ये किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं ये डेकोरेशन के लिए काम आता है देख सकते हैं सनफ्लावर सीड है ये कलिंगड वाटरमेलन सीड है ये पम्पकिन सीड है ये मस्क मेलन सीड है ये वाला ये आपको रोस्टेड मिल जाएगा
कलिंगड रोस्टेड है, पम्पकिन रोस्टेड है, इसमें 7 किस्म के सीड मिक्स है, इसको 7 सीड बोलते हैं। ये क्वांटिटी क्या है पाव? ये अभी सैंपल के लिए रखा है, ये आपको 400 रुपये किलो मिल जाएगा। पम्पकिन आपको 480 है, सनफ्लावर 280 है, कलिंगड 400 रुपया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुखवासी 4 टाइप है, ये सब 120 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो है। यहाँ पे लड्डू का गोंद देख सकते हैं 200 रुपये किलो है, बाजू में मेथी देख सकते हैं 140 रुपये किलो है। यहाँ पे पूरा गरम मसाला इलायची यहाँ पे 1600 से 1800 की रेंज में अवेलेबल है। ये पिस्ते का स्लाइस है, ये बादाम का स्लाइस है, वहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक पेपर है जो 680 रुपये किलो है ये वाला। यहाँ पे आप जीरा देख सकते हैं जो 320 का रेंज था, अभी सडनली जीरा 40 रुपये पर किलो बढ़ा हुआ है, तो 360 रुपये किलो के हिसाब से आएगा। ये अजवाइन है 320 रुपये है, इसको दगड़ फूल बोलते हैं, ये बड़ी सोप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं खोपरे का सल्ली है, खोपरे का खमन जिसको बोलते हैं, जो लड्डू में यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कड़ी पत्ते का मुखवास है, ये इलायची का दाना है, ये आप काली इलायची है, स्टार फूल है, नाग केसर है, दगड़ फूल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जायफल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 किस्म की किशमिश लगाई हुई है। इसमें से ये दो जो किशमिश है ये बिना बीज की है, इसमें सीड नहीं है, और ये दो जो है वो बी वाली है, जो सीड वाली है, जो रात को भिगा के सुबह खा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डबल मिरी, एकदम स्पाइसी पापड़ है, एकदम तीखा आता है, तो खाने में बहुत अमृतसरी पापड़ बोलते, बहुत तीखा पापड़ आता है। और ये बाकी क्या है? हाँ, ये क्रैनबेरी है, ड्राई क्रैनबेरी, जी ड्राई क्रैनबेरी है, और ये प्रून्स है। ये सब इम्पोर्टेड होता है? हाँ, ये सब इम्पोर्टेड। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये खारिक का पाउडर है, जो लड्डू में यूज होता है, अभी बहन लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं है, रेडीमेड खारिक, रेडीमेड है। तो पहले क्या, खारिक काटो, बी निकालो, मिक्सर में ग्राइंड करो, ऐसा कोई अभी तो अपने पास ये रेडीमेड मिलता है। इसमें दो कलर है, एक तो काला खारिक का काला पाउडर आता है, पीली खारिक का पीला पाउडर आता है। ये क्या क्वांटिटी है? ये 1 किलो की बरनी आती है 360 रुपए में, और काली वाली आती है 260 रुपए में। आंबा पोली, ये कैसे क्वांटिटी में सेल करते हैं अपन? ये आपको लोकल छोटी भी मिल जाती है, 360 रुपए किलो है, 90 रुपए पाव के हिसाब से भी मिल जाती है। और वो जो बॉक्स है वो सब खजूर है? हाँ जी, खजूर, ये सब सऊदी की खजूर है, स्पेशल हेमोग्लोबिन के लिए आती है, 500 रुपए किलो है। खजूर में तो बहुत सारी वेरायटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी खजूर है मैगजो। ये कौन से कंट्री से आती है? जॉर्डन, जॉर्डन से। हाँ, मैं इसके लिए पूछा, मैं भी खाया, ये बहुत सॉफ्ट होती है, ये मुंह में रखते ही पिघल जाती है। ये कौन सी है? ये सब जॉर्डन की, जॉर्डन की साइज है, जंबो साइज, छोटे साइज, बड़ी साइज। तो इनको सब मैगजूल बोलते हैं, साइज का फर्क है। हाँ जी, ये सबसे बड़ी है क्या? यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 रुपए से स्टार्ट है, 1000 है, 1100 है, 1200 है, और 1300। ये क्वांटिटी क्या है? सबसे सऊदी और जॉर्डन से आती है सबसे बड़ी खजूर, इससे बड़ी खजूर ही नहीं आती, नहीं आती है। ये बॉक्स का क्वांटिटी क्या रहेगा? ये आधा किलो का बॉक्स, आधा किलो का बॉक्स है। तो ये क्या फ्रिज में रखना होता है ऐसे कुछ? हाँ, ये कंपलसरी फ्रिज में रखना पड़ता है, नहीं तो ये फिर खराब जल्दी हो जाती है। इधर क्या पैकिंग होता है? कितना क्वांटिटी से लेके कितना क्वांटिटी तक पैकिंग होता है ऐसे कुछ? मतलब पाव किलो से लेके 50 ग्राम से लेके 1 किलो तक। हे आपलं दुकान 7 दिवस चालू असतं, खाली संडे क्लोज राहते, संडे क्लोज राहते, और बाकी दिन टाइम क्या रहता है शॉप? 10 से लेके रात को 8 बजे तक, सुबह 10 से लेके। और अपना मतलब ये ऑनलाइन भी ऑर्डर गिरते हैं ऐसे सुना है, तो क्या है एग्जैक्टली आप बता दीजिए? एग्जैक्टली ऐसा है कि आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, बोरीवली से लेके मलबार हिल तक, और यहाँ पे पनवेल तक, पूरे मुंबई के अंदर फ्री होम डिलीवरी है।
हमारी एक ही ब्रांच है और कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। हम लोग किसी से भी पेमेंट एडवांस लेते नहीं है। माल आने के बाद ही आपको कैश ऑन डिलीवरी करना है। कैश ऑन डिलीवरी या जी पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी बैंक ट्रांसफर हो सकता है वही, लेकिन एडवांस पेमेंट किसी को भी देना नहीं। तो इसका मतलब अगर कोई कॉल करके बोल रहा है कि मैं ड्राइवर, तो उसको पेमेंट ऑनलाइन नहीं देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर इधर से भी ऑर्डर कर रहे हैं तो पेमेंट और डिलीवरी के बाद ही पेमेंट देना है? कैश ऑन डिलीवरी देना है या डिलीवरी के बाद देना है, आपको एडवांस पेमेंट देना ही नहीं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो हमारे नाम से कस्टमरों से पैसा ले लेते हैं, फिर उनको माल नहीं पहुँचाते, कस्टमर ढूंढते ढूंढते हमारी दुकान पे आते हैं। फिर यहाँ पे हमने उनके नाम से कंप्लेन भी किया हुआ है रजिस्टर हमारी नज़दीकी पुलिस चौकी में, साइबर क्राइम में। तो एडवांस आप प्लीज़ हमारी गुजारिश है, किसी को भी हमारे नाम से दीजिए मत। ये वीडियो में हमने पूरा प्राइसिंग वगैरह सब बताया जी सर। तो किसी को अगर लेना है जी, तो प्राइस के हिसाब से जी, आपको कॉल करके ऑर्डर ले सकता है जी, 100%। इसका डिलीवरी कितना दिन में होता है अगर समझो? दो दिन में होता है। दो दिन में होता है? प्रॉपर पता वगैरह देंगे तो दो दिन में डिलीवरी होगा और पेमेंट डिलीवरी के बाद ही देना है। नंबर नीचे, हाँ आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी देंगे और आप डिस्प्ले पे नंबर आ जाएगा। थैंक यू शंभू जी, आपने इतना टाइम दिया। तुम्ही महक ड्रायफ्रूटला नक्की विजिट करा आणि तुमचे अनुभव आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। आमचा हा महक ड्रायफ्रूटवरचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक आणि शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। Thank you for watching.